हेलो सर, मैं अमित कुमार बडी पेट्स गुड़गांव से। आज मैं आपको एक अपनी नई ब्रीड शो करना चाहता हूं जो यहां पे इंडिया में बहुत ही कम है। मैंने देखा है बट बहुत कम देखे हैं, ठीक है। इस ब्रीड का नाम है स्विस शेफर्ड। यहां पे लोग इंडिया में इस ब्रीड को वाइट जर्मन शेफर्ड्स के नाम से जानते हैं, बट मैंने काफ़ी देखने के बाद, यहाँ पे ब्रीड स्टैंडर्ड देखने के बाद मैंने डॉग सेलेक्ट किए हैं। मेरे एक बड़े अच्छे भाई हैं जो कनाडा में रहते हैं, उन्होंने ये मुझे वहाँ से दिए हैं, वहाँ से मैंने उनसे लिए हैं ये डॉग। तो मेरे पास ये चार डॉग हैं जिसमें तीन फीमेल हैं और एक मेल है मेरा, ठीक है। ये स्विस शेफर्ड है, इसका नाम है सिम्बा और उधर पर्ल। जो अंदर जो डॉग हैं वो दो डॉग फीमेल्स और हैं जो मैंने इसे ब्रीड अभी की है तो रिसेंटली, तो इसीलिए मैं आपको वो शो नहीं कर पाऊंगा, दिखा नहीं पाऊंगा बाहर ला के। इस ब्रीड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जर्मन बेसिकली होते ही ये जर्मन शेफर्ड ही हैं, बट इनका ओरिजिन स्विट्जरलैंड से है और ये वहाँ की बड़ी अच्छी फेमस ब्रीड है। ये नॉर्मल जर्मन शेफर्ड से थोड़ा इनका साइज बड़ा होता है, बॉडी वेट भी ज़्यादा होता है। और अगर हम इनका वर्किंग देखें तो वर्किंग बड़ी अच्छी होती है इनकी और बड़े ओबीडियंस डॉग होते हैं। घर पे लोग इसको रख सकते हैं और इजी मेंटेन होते हैं। ये भी कोई ऐसी ब्रीड नहीं है कि आप इसको मेंटेन नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं इस ब्रीड को, अभी आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। दोनों, ये मेल है वो फीमेल है, आप दोनों की खूबसूरती इनकी देख सकते हैं। ब्रीड आप इसको हर तरह से देख सकते हैं। बोन साइज में भी ये थोड़े से बड़े होते हैं, हर चीज़ में थोड़े बड़े हैं नॉर्मल शेफर्ड से। मैंने काफ़ी यहाँ पे यूट्यूब पे देखे हैं, यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे हैं जिसमें वो कहते हैं कि ये वाइट जर्मन शेफर्ड, लॉन्ग कोट, ये बड़े बड़े बोन्स, ये पंच फेस, ये ब्रीड स्टैंडर्ड की कहीं उन लोगों को पता नहीं है कि ब्रीड होती क्या है एक्चुअल में। जो ये स्विस शेफर्ड हैं ये कैसे होते हैं, उनको तो लगता है कि बस एक सफ़ेद रंग का कुत्ता होना चाहिए, कान खड़े हों, टेल सीधी हो, तो उनके लिए वो वाइट कलर के जर्मन शेफर्ड हो जाते हैं। बाकी अगर आपने एक ट्रू स्विस शेफर्ड देखना है, ट्रू वाइट जर्मन शेफर्ड देखना है, जैसे इंडिया में वाइट जर्मन शेफर्ड देख रहे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, फीमेल को देख सकते हैं। अगर आपने एक्चुअल में जो ब्रीड स्टैंडर्ड इस ब्रीड का होता है वो देख सकते हैं। काफ़ी लोगों ने पूरा ब्रीड स्टैंडर्ड ही खराब कर दिया क्योंकि वाइट रंग का कुत्ता चाहिए, वाइट रंग की फीमेल चाहिए, उन्होंने ब्रीड करा के बच्चे कर लेने और उसके लिए वो वाइट जर्मन शेफर्ड हो जाते हैं। तो अगर आपने स्टैंडर्ड देखना तो आप इसको देखें सर। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इन दोनों ब्रीड्स में, अगर आप इनको देखें दिखने में दोनों सेम होते हैं, बट थोड़ा सा बॉडी साइज बड़ा होता है, बॉडी वेट ज़्यादा होता है। ड्राइव और एनर्जी देखें तो सेम जर्मन शेफर्ड के जैसी ड्राइव और एनर्जी इस ब्रीड की होती है। इस ब्रीड को एक्चुअली पर्सनली मैं आपको बताऊं, मैं जो इसको लेके आया, मुझे वाइट कलर के कुत्ते बहुत पसंद है, वाइट और ब्लैक कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसको अगर देखोगे, इसकी खूबसूरती को आप अगर लाइव देखोगे तो आपको खुद से देख के बड़ा अच्छा लगेगा। तो मुझे पर्सनली, मैं जैसे एनिमल लवर हूँ और काफ़ी टाइम से डॉग्स रखता हूँ, तो मुझे पर्सनली देख के बहुत अच्छे लगे ये कुत्ते और मैं लेके आया। इंडिया में ब्रीड ख़राब हो रखी है वाइट जर्मन शेफर्ड्स की बहुत ज़्यादा, और ना ही अच्छे डॉग्स हैं ना अच्छी फीमेल्स हैं, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा कुछ नया किया जाए यहाँ पे इंडिया में, ना कुछ नए डॉग लेके आए, तो मैं इसलिए इन वाइट डॉग मैंने सेलेक्ट किए अपने कैनल के लिए। तो एक नया, मेरे लिए भी नया एक एक्सपीरियंस है, मैंने इससे पहले कभी वाइट जर्मन शेफर्ड नहीं रखे थे। ब्लैक मेरे पास रहे हैं जो कि वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड हैं, तो वो मेरे पास रहे हैं, बट मेरे पास वाइट कभी नहीं रहे। वाइट में फर्स्ट टाइम लेके आया हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ इस ब्रीड से। बहुत ईजी मेंटेन, बड़ा फ्रेंडली होता है। मेरे पास ये बड़ा ही आया है, छोटा नहीं था मेरे पास तब ये आया, तो बड़ा ईजी मैनेज हो जाता है, कोई ऐसा एग्रेशन नहीं है किसी भी तरह का, लड़के बहुत ईजी मैनेज कर लेते हैं इसको, काटता नहीं है किसी को, बहुत फ्रेंडली ब्रीड। लॉन्ग कोट आते हैं इसमें, लॉन्ग कोट भी आते हैं, बट यहाँ पे अगर हम इंडिया के वेदर को देखें, इंडिया में मोस्टली, जैसे मैं नॉर्थ में रहता हूँ, मैं अभी तो मैं दिल्ली गुड़गांव में रहता हूँ, तो मैं यहीं की बात करूँगा, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 8 महीने गर्मी का वेदर होता है और एक्सट्रीम गर्मी होती है, बहुत हाई लेवल पे गर्मी होती है। तो लॉन्ग कोट के अगर मैं कुत्ते यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, ये एक्चुअली ठंडे वेदर के कुत्ते हैं बट यहाँ पे मैनेज हो जाते हैं। अगर इसी में मैं अगर लॉन्ग कोट अगर सेलेक्ट करता तो उनको गर्मियों में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इवन मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। अगर अब मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँ तो ब्रीडिंग के लिए लेके आऊँ, ब्रीड करूँगा, आगे पप्स होंगे इनके, तो अच्छे फैमिलीज में अच्छे लोगों के पास जाएंगे, उन लोगों के लिए भी वो प्रॉब्लम होती, तो एक निगेटिव रेस्पॉन्स भी यहाँ पे जाता है, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स भी बहुत अच्छे हैं सारे, निगेटिव रेस्पॉन्स जाता है कि जी वाइट जर्मन शेफर्ड ऐसे होते हैं, बड़े बड़े बाल और गर्मियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है उनको। शॉर्ट कोट के साथ बहुत इजी ये मेंटेन है, बहुत ज़्यादा लंबा कोट नहीं है, इजी आप इनको मेंटेन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग की ऐसा कोई इनको नीड नहीं है। आप देखोगे इसका कोट बिल्कुल स्मूथ कोट है। हाँ, ये KCI रजिस्टर्ड कुत्ते हैं, वहाँ से तब ये आए थे, तो मैंने इनको अब यहाँ पे आने के बाद KCI रजिस्टर्ड करा लिया। मेरे पास, मेरे कैनल में जितने भी डॉग हैं वो सारे KCI डॉग हैं,
जो मेरे पास जैसे वर्किंग शेफर्ड्स हैं या फिर जैसे डच हैं मेरे पास, तो वो मेरे पास सारे केएमपीवी वाले कुत्ते हैं, उनके सारे के बीएनआर नंबर मेरे पास अवेलेबल हैं सारे कुत्तों के, जैसे पुलिस डॉग के जो केसीआई रजिस्टर नहीं होते, जो बाहर से हम लोग पुलिस डॉग मंगाते हैं, तो उनके सबके यहाँ पे मेरे पास सारी डिटेल्स अवेलेबल है। इन कुत्तों की भी सारी मेरे पास, मेरे कैनल में जितने भी डॉग्स हैं, चाहे वो मेलनोआ है, डच है, स्विस शेफर्ड है, वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड है, सबकी डिटेल्स आपको मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी। गाइस अभी इसका कुछ ऐसा हमने सोचा नहीं है, फर्स्ट टाइम इसे अभी हमने फीमेल एक ब्रीड की है अपनी, तो अब देखते हैं अभी उसके, अभी वन वीक हुआ है उसको ब्रीड किए हुए, तो अभी अब देखेंगे इसको क्या रेस्पॉन्स होता है यहाँ पे। बट थोड़े से कॉस्टली डॉग है ये, आइडिया सर 1 लाख से ऊपर ही इनका पपीज होता है जो स्विस शेफर्ड है। अगर इस ब्रीड के बारे में आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी, मैं होप ये उम्मीद करता हूँ, और आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिलेगा, मेरा फेसबुक का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बडी पेट्स गुड़गांव के नाम से मेरा पेज है फेसबुक पे, आप वहाँ पे भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज भेज के। थैंक यू।